क्या बुलंदशहर का बवाल सुनियोजित साजिश था, या फिर भीड़ अचानक से ही भड़क उठी? क्या सोमवार की स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली गई थी, या फिर पुलिस लोगों के गुस्से को भांप नहीं पाई? सवाल ढेरों हैं, जवाब सिर्फ एक, यानी जांच जारी है। लेकिन पुलिसिया तफ्तीश से अलग बुलंदशहर में लगी आग अपने आप में कुछ बातों की गवाही दे रही है। कुछ सवालों पर ही सवाल उठा रही है और कुछ जवाब हवा में खुद ब खुद उछल रहे हैं कि कोई आए और उन्हें दुनिया के सामने रखे। हंगामे के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि पुलिस ने गोकशी की वारदात को ढकने की कोशिश की, जबकि पुलिस कह रही है कि घेराव करने वाले ग्रामीणों को FIR दर्ज करने का भरोसा दिया था। हंगामे के पीछे ये तर्क भी दिया जा रहा है कि पुलिस की गोकशी के आरोपियों से मिलीभगत थी, जबकि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि FIR दर्ज किए जाने के दौरान ही उपद्रवियों ने हमला बोल दिया। एक जगह पे गोकशी के बाद उसके अवशेष जो हैं वो मिले हैं और तुरंत जो है वहाँ मौके पे SHO पहुँचे थे और मैजिस्ट्रेट साइड से भी तहसीलदार वहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने उसमें कानूनी कार्रवाई उसकी प्रारंभ करी थी, उसको इकट्ठा करके और FIR वगैरह दर्ज करने के लिए सारी तैयारी चल रही थी। इस बीच में कुछ जो है आक्रोशित लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की मौत सिर में गोली लगने से हुई। चौकी के बाहर हो रहे बवाल के वीडियो में भी कुछ लोग तलवार लहराते साफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या ये वाकई गोकशी के बाद भड़का आम लोगों का गुस्सा था? अगर ऐसा ही था तो फिर भीड़ में हथियारबंद लोग कहां से आ गए? इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के सिर में गोली किसने मारी? क्राउड जो थी वो आर्म्ड थी, उनके पास असला था, पत्थरों से भी हमला किया है, कुछ धारदार चीज़ें भी थी जिससे उन्होंने पेड़ काटने की कोशिश करी थी जाम लगाने के लिए, तो उनके पास हथियार थे, है ना, और उन्होंने हमला किया है, ये बात भी बिल्कुल सच है। फायरिंग करी है उन्होंने, मतलब पुलिस पर। अब ये सब बात सामने आ जाएगी जी। इंस्पेक्टर को भी ये गोली लगी है तो निश्चित रूप से फायरिंग हुई है, तभी लगी है। सवालों की आँच को धीमा करने के लिए योगी सरकार की SIT दो अलग अलग मामलों की जाँच करेगी। पहला तो सयाना कस्बे में हुई गोकशी की वारदात की और दूसरा उस बवाल की जिसमें इंस्पेक्टर की जान चली गई। दोनों घटनाक्रम जो दोनों केसेस हैं, दोनों की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक SIT गठित की गई। एक तो गोकशी वाले इंसिडेंट की जिसकी FIR की गई, 11 बजे वाले जो घटना थी उसकी, और जो ये 12 से 1:30 के बीच में जो उपद्रव हुआ है, दोनों केसेस अभी रजिस्टर किए जा रहे हैं। एक और थ्योरी को भी तेजी से हवा दी जा रही है, वो ये कि इंस्पेक्टर सुबोध सिंह ग्रेटर नोएडा के अखलाक हत्याकांड के पहले जांच अधिकारी थे। आरोप लग रहे हैं कि उनकी हत्या का कनेक्शन 2015 के इस केस से है। जी, ये कहा जा रहा है कि अखलाक मर्डर केस में ये गवाह थे, IO थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। तब तो SIT की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बड़ा सवाल जस का तस है, बुलंदशहर की वारदात सुनियोजित साजिश थी या फिर अचानक हुई घटना? प्रशासन कह रहा है कि SIT जांच में इसकी परतें भी उतरेंगी। SIT की जांच में ये बात बिल्कुल साबित होगी कि ये प्लान था, प्री प्लान था या स्पॉन्टेनियस था, या किस तरीके से लोग वहाँ पे आए थे, ये पूरी बात जो है सामने आएगी। अभी उसको मतलब कुछ भी कहना एक प्री जज करने के जैसा होगा और एक प्रिजुडिस करने को के जैसा होगा पूरी जाँच प्रक्रिया को, वो करना ठीक नहीं होगा। फिलहाल सूबे के मुखिया UP से बाहर है और सरकार अफसरों के हवाले है। अब देखना है कि सरकार के दामन पर पड़ रहे छींटों को अफसर कैसे साफ करते हैं।